नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों तथा दोस्तों, आज हम सीखेंगे टैली डॉट ईआईपी 9 में एक्साइज ड्यूटी का फुल ट्रीटमेंट करना। पिछली वीडियो में हमने सीखा था वैट का फुल ट्रीटमेंट करना तथा इस वीडियो को बनाने के मेरे दो उद्देश्य हैं। पहला यह है कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो एक तो मैन्युफैक्चरर पे लगती है, दूसरा डीलर के ऊपर। तो मैन्युफैक्चरर भी और डीलर भी जब परचेज करेंगे रॉ मटेरियल की, तो परचेज वाउचर की जो एंट्री है विद एक्साइज ड्यूटी वह पास कर सकेंगे। नंबर दो पे वह जो एक्साइज की रिटर्न है अपने आप ही फाइल कर सकेंगे। तो आइए इस ट्यूटोरियल को सीखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ इंडिया की बुक है तो इसमें उसमें डिटेल में एक्साइज ड्यूटी का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वैसे जो एक्साइज ड्यूटी होती है मेन बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एजुकेशन सेस होती है। सबसे पहले जो एक्साइज ड्यूटी है उसके फीचर को, फीचर एफ जो आपके टैली डॉट ईआईपी के गेटवे के राइट साइड होता है को क्लिक करना है। उसके अंदर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का फीचर है, उसमें एनेबल एक्साइज यस करना है। सेट एंड अल्टर एक्साइज डिटेल को भी आपने यस करना है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का संबंध वैट के साथ है। इसके लिए आपको वैट के बटन को भी इनेबल करने के लिए यस करना होगा और इस फॉर्म को आपने एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपने सिंगल मोड में लेज़र क्रिएट करने है। अकाउंट इन्फो में जाइए, लेज़र में जाइए, क्रिएट कीजिए। सेल अकाउंट है, अंडर सेल अकाउंट इनेबल वैट ऑन आउटपुट। परचेज अकाउंट है, अंडर परचेज अकाउंट इनेबल वैट ऑन इनपुट। इनपुट वैट को आप ड्यूटीज और टैक्सेशन के अंदर रखिए, आउटपुट वैट को भी आपने ड्यूटीज और टैक्सेशन के अंदर रखना है। जिससे आपने माल खरीदा है उधार उसको आपने संडे क्रेडिट के अंदर रखना है तथा इसे एक्साइज डिटेल अगर है इसमें तो उसको यस करना है। उसके बाद आपने इन्वेंट्री लेज़र भी क्रिएट करनी है, जिसमें नंबर वन पे आएगा टैरिफ क्लासिफिकेशन। इसमें मान लीजिए आपका फिनिश गुड्स है सपोज कंप्यूटर, तो टैरिफ क्लासिफिकेशन में जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा वह कंप्यूटर होगा। एक खास नंबर होता है उसको भी लगाए, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि हमने टैरिफ और वैट कमोडिटी को क्रिएट किया है। यूज्ड फॉर एक्साइज रखना है, एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद आपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट करनी है। सपोज सीपीयू आपने खरीदा, सेट अल्टर एक्साइज डिटेल को यस कीजिए। इसके बाद आप अंदर चले जाओगे, वहाँ भी सेट अल्टर ड्यूटी डिटेल है यस कीजिए। इसके बाद आपने ड्यूटी फिक्स कर देनी है, एक्साइज ड्यूटी बेसिक मान लीजिए 16%, एजुकेशन सेस 2% और सेकेंडरी एजुकेशन सेस 1%, ये आपने स्वयं ही लिखनी है, टैली लिख कर नहीं देगी। उसके बाद आपने अकाउंट इन्फो में जाकर वाउचर क्रिएट करनी है। जैसे एक्साइज परचेज मैंने किया है, अंडर परचेज टाइप ऑफ वाउचर इज परचेज, और इसमें यूज ऑफ एक्साइज को यस करना है। इसके बाद प्रिय दोस्तों, जब आप वाउचर
एंट्री पास करोगे तो राइट साइड में आपको परचेज दिखेगा, उसमें वोचर टाइप पूछा होगा, उसको एक्साइज परचेज करना है। तो यह एक्साइज परचेज का वोचर है, पार्टी का नाम मैंने लिख दिया सप्लायर, नेचर परचेज मैन्युफैक्चरर, परचेज लेज़र को परचेज, वैट को परचेज एट 4%। मान लो आपने सीपीयू खरीदे 10, एक 5,000 का है, तो आपके 50,000 हो गए और यहाँ आपकी डिटेल आ गई। तो जो एक्साइज की डिटेल है वह इंटरनल होती है और यहाँ 16%, 2% और 1% इसके ऊपर टोटल एक्साइज ड्यूटी जो आपने पे करनी है 8,240, जो डीलर ने पे करनी है। तो इसको तो जो यहाँ शो होगा वह तो उसका कॉस्ट ही शो हो गई है, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद स्टैचुटरी रिपोर्ट में जाइए, एक्साइज रिपोर्ट में जाइए, एक्साइज स्टॉक रजिस्टर देखिए। तो जितने आपने आपका एक्साइज ड्यूटी पेबल है यहाँ देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप इन टच विद अकाउंटिंग एजुकेशन एट svtuition.org।